नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 ए में कवालियों के दौरान कुछ बदमाशों ने एक युवक पर तेज धार हथियारों से किया हमला, उपचार दौरान हुई मौत। खन्ना पुलिस ने बब्बर खालसा संगठन से जुड़े एक लड़की सहित 13 गैंगस्टर्स को किया काबू, 5 टारगेट किलिंग को अंजाम देने की तैयारी कबूली। अमृतसर के गुरु बाजार में हथियारबंद लोगों ने सुनार की दुकान पर लूट की वारदात को दिया अंजाम, 300 ग्राम सोना लूटकर हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 ए में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कबालियों के दौरान कुछ बदमाशों ने एक युवक पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को पीजीआई के ट्रोमा वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मरने वाले युवक की पहचान 23 वर्षीय साहिल के रूप में हुई है, जो कि सेक्टर 38 में एक प्राइवेट जॉब करता था। तो वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक साहिल के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और वह अपने दादा दादी के पास सेक्टर 38 में रहता था। खन्ना पुलिस द्वारा बब्बर खालसा संगठन से जुड़े 13 गैंगस्टर, जिनमें एक लड़की भी शामिल है, की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में नामजद किए गए गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं अमेरिका में बैठे गैंगस्टर अमृत बल और इंग्लैंड में बैठे गैंगस्टर परगट सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कागजी कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। इन गैंगस्टरों ने लुधियाना में एक सिख नेता, एक हिंदू नेता और मोहाली में एक राजनीतिक यूथ नेता को मारने सहित पंजाब में 5 टारगेट किलिंग को अंजाम देने की तैयारी मुकम्मल करने की बात भी कबूल की है, लेकिन पुलिस ने इन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया। FIR जिहड़ी है दर्ज की गई, खेड़ का रहने वाला सी, इन्हां दोनों नूं अरेस्ट किया। रमेश दे कोलों एक 315 बोर्ड का कट्टा मिलिया, जिहड़ा असीं देखिया होया पहले नंबर ते रखिया, ते दो राउंड जिहड़े ने 315 बोर्ड दे उहदे कोलों रिकवर होए। इसी तरीके से महेंद्र एलियस DK जिहड़ा है, इन्हां इहदे कोल एक 32 बोर्ड का जिहड़ा है पिस्टल मिलिया, ते नाल जिहड़े 8 राउंड मिले। इहदे करके जो है ये लोकल मेट है के नहीं, ये थोड़े कोल नहीं है जी, जेड़े इतने लोकली इन्होंने प्रोक्योर किए हैं। और इन्हों की पूछगिछ जदों शुरू हुई तो ये खुलासे होने शुरू हुए कि ये बंदे जेड़े ने इन्हों दे एक गैंगस्टर जो USA में बैठा है अमृत बल, जो बुलत का रहने वाला है। और अमृतसर के गुरु बाजार में सुबह 7 बजे के करीब हथियारबंद लोगों ने 15 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया, तो वहीं यह सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सुनियारे का काम करने वाली दुकान पर सुबह कुछ हथियारबंद लोग आ गए, जिन्होंने पिस्तौल की नोक पर लगभग 300 ग्राम सोना लूट लिया और मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना संबंधित थाना को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। नाम लावारी वाला, मेरी दुकान सवेरे मुंडे ने 7 बजे खोली, तो 7:10 से तकरीबन 2 बंदे आए ने थल्ले, आन पछाणते बंदे, फोटो उन्हां दी पूरी क्लीयर आ गई है। तो दुकान पर आके उन्होंने 2 मुंडे जिहड़े मेरे को दुकान पर काम करते हैं, वह मुंडे काम करते पे सी, उन्हां दीआं पत्रियां खोह के पिस्तौल कढ के उन्होंने दिखा के तो धक्का मार के तो पत्रियां भी खोह के लै गए ने, तो पिस्तौल दिखा के नाले इन्हों धक्का धुक्का मार के चले गए हैं। तो जोड़ा सोना मेरा तकरीबन 15 लाख रुपये का बनता जी, ठीक है जी, वो मैं खोह करके गए हैं जी। 300 ग्राम सोना की खोह हुई है। पुलिस वालों 112 नंबर से कॉल की थी, पुलिस आई थी, SP साहब भी आए थे, SHO भी आए थे, मौका देख के गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिता कि चलो जल्दी फड़े जाएंगे बंदे। एक शॉप हैगी है इतने, सानू सवेरे अराउंड 8 बजे खबर आई थी कि 2 लड़के आए हैं मोटरसाइकिल, तो एक लड़का उत्ते गया, तो उन्हें जोड़ा इतों उत्ते गए है, तो 2 वर्कर इन्हों के काम करते हुए थे,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਹ ਛੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਲੀਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਡੰਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਕਵਾਇਆ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਾਡੀ CCTV 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੋ ਲੜਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਟੋਏ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗਨ ਹੈਗੀ ਹੈ बरनाला जिले के गांव ठीकरीवाला में प्रजा मंडल के महान शहीद विश्व प्रसिद्ध सेवा सिंह ठीकरीवाला की 99वीं बरसी के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सेवा सिंह ठीकरीवाला के पुश्तैनी गांव ठीकरीवाला पहुंचे। भगवंत सिंह मान ने गांव में बने सेवा सिंह ठीकरीवाला के बुत पर श्रद्धा पुष्प अर्पित किए। उनके साथ कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथेयर ने भी फूलमाला पहनाकर श्रद्धांजलि भेंट की। मंच पर संबोधित करते भगवंत सिंह मान ने गांव ठीकरीवाला को मॉडल गांव बनाने का ऐलान किया और वहीं पंजाब के सभी शहीदों के गांव को मान सम्मान देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने बरनाला लुधियाना के बीच हलवारा कस्बा के एयरफोर्स स्टेशन पर हवाई अड्डा जल्द बनाने की बात भी कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब के पानी को बचाना है और पानी के स्तर को ऊंचा करने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। जिला बरनाला खुद डॉर्क जोन में है। शुरुआत यहीं से की जाएगी ताकि पानी के स्तर को किसी तरीके ऊंचा किया जा सके। इस शहीदी समागम में पार्टी की सीनियर लीडरशिप एवं जिला बरनाला के नेतागण और बड़ी गिनती में समर्थक मौजूद रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ए हमेशा बरनाले दे लोग संगरूर दे लोग जागरूक रहे ने वो अपने हक्कां नूं छड़दे नहीं हैगे अपने हक मंगदे ने जे मंगया ना मिलने खो लें फिर सारे तरीके आते हैं। इसे संगरूर नूं जिस तरह जजी साहब कहिंदे सी इसे संगरूर बरनाले नूं कहिंदे सी पछड़े हुए इलाका है। ऐसे झंडे गड्ढे 2014 च फिर 2019 च फिर 2022 च हुण सारा पंजाब ही इत्थों चलदा है। आ जाओ असी वो लोग जेड़े लोगों प्यार जे कोई करता है उन्हें दुगना तिगना प्यार देने जे कोई लोगों के विरुद्ध चलता है उन्होंने दुगना तिगना विरोध करते हैं। सरदार सेवा सिंह जी ठीकरीवाला बहुत घट बंदे होंगे दुनिया च जेड़े अपने नाँ जस्टिफाई कर देंगे भी ना सही रखा सी सेवा सिंह तो सारी उम्र समाज की सेवा चलाती। अज कल रात मैं 2 घंटे अपने वकीलों नाल लाए क्योंकि अज SYL की तरीक सी सुप्रीम कोर्ट च कि कहना है अपना पक्ष की रखना इदू पहला की कहा गया है। चलो तो तरीक पै गई 15 मार्च की पर मैं कोई भी मुद्दा यह जहाँ नहीं छड़ता जोड़ा मैनू बिना पूछे कोई कोर्ट के कोई गलत बोल गया जिम्मेवारी मेरी है कैप्टन की जिम्मेवारी होंदी है जे टीम जे अगर तालियां मेरी हैं तो गालियां भी मेरी हैं। पढ़ाई इको जी होगी प्राइवेट च पढ़ाना जवाक प्राइवेट च पढ़ा लियो सरकारी च पढ़ाना सरकारी च पढ़ा लियो पर उधर फीस लगू इधर फीस भी नहीं लगती ये भी है। 36 प्रिंसीपल भेज रहे हैं सिंगापुर हो गया सारा कागजी कार्रवाई पूरी 36 प्रिंसीपल ट्रेनिंग लैन लई भेज रहे हैं कि नवे तरीके ना पढ़ाई किवें कराई जाती है। सिंगापुर तो ट्रेनिंग लैके आउणगे इत्थे आके अपने स्टाफ नूं ट्रेनिंग देणगे क्वालिटी एजुकेशन देईए। पहलां तां आपां सानूं तां हुण तक फीस माफ़ी दी अर्जी सिखाई गए ने होर कुछ है ही नहीं। कोई इहो चीज़ां पढ़ाईए जिहड़ियां जिंदगी च कम आउण और नाल नाल फैक्ट्रियां नूं पहलां दस्सदा साडा पानी साडी हवा ते साडी धरती खराब नहीं करनी। जिहड़े जिहड़े कानून बने ने उन्हां नूं फॉलो कर लो असीं तुहानूं दूजे पासों घटा देंगे टैक्स पर वातावरण खराब दूषित करन वास्ते नहीं असीं तुहानूं इत्थे बुलाउंदे। जदों मेरे हाथ च कुछ हुंदा मैं उदों फैसला लै लैंदा जे मैं वैसे ही तत्पर फैसला लै लां बाद चो कोर्ट जा वड़न
कोर्ट कहते भी ये किवें करता फिर मैं की करूँगा। पंजाब सरकार की ओर से एक हफ्ता बेटियों की लोहड़ी मनाई जा रही है, जिसके चलते धूरी क्षेत्र के गांव भलवान के सरकारी स्कूल में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर और कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर विशेष तौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने बेटियों की लोहड़ी प्रोग्राम के तहत उन्हें बैग बांटे। वहीं संगरूर से विधायक नरेंद्र कौर भराज भी इस समागम में पहुंची, जहां उन्होंने पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि एक सप्ताह तक बेटियों की लोहड़ी पूरे पंजाब में मनाई गई है, जिसका समाप्ति समारोह धूरी के गांव भलवान में किया गया। यही समागम पंजाब में आने वाले दिनों में और भी किए जाएंगे और बेटियों को हर क्षेत्र में आगे लेकर आएंगे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। अज असी धूरी विखे जो तिया की लोहड़ी जो एक हफ्ते तो पंजाब भर के जिले लैवल से चला रहे प्रोग्राम उन्होंने समाप्ति समारोह असी धूरी विखे रखिया सी। और जिस तरह कि पंजाब सरकार का शुरू तो ही मंतव रहा, जिस तरह कि भगवंत मान की सोच है कि असी अपनी पंजाब दियां बेटियां नूं अगे लैके आवेंगे, हर प्लेटफॉर्म ते अगे लैके आवेंगे, तो उसकी शुरुआत असी उन्हां नवजम्मियां बच्चियां तो ही कीती है कि सब तो पहला असी बच्चियां दी आमद नूं सैलीब्रेट करना शुरू करिए। सो इसे सोच नूं लैके ही तियां दी लोहड़ी प्रोग्राम शुरू किया गया। बिल्कुल, मैं आप इक धी होने के नाते पहला तो पंजाब सरकार का मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने ये हफ्ते जिहड़ा लोहड़ी का जिहड़ा एक हफ्ता वो तिया के नाम जिहड़ा कीता। सो तिया की लोहड़ी पूरे पंजाब भर के मनाई गई है, जिहदा समाप्ति समारोह आ जिहड़ा धूरी दे विखे जिहड़ा धूरी विच कीता गया। सो बहुत चंगा लग्या और इदां दे उपराले ने जिहड़े आने वाले समय के होर जिहड़े वध चढ़ के जिहड़े कीते जाणे आ। बठिंडा के गुरु नानकपुरा मोहल्ले में बेटे के आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए बाहर गए बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। इस दौरान चोर घर में पड़े गैस सिलेंडर, 19,000 रुपए की नकदी, एक जोड़ी पायल और एक जोड़ी टॉपर्स चोरी कर फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि वे अपने बेटे की आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए अस्पताल गए हुए थे और घर को ताला लगा हुआ था। इस दौरान चोर इसका फायदा उठाते हुए घर के ताले तोड़कर सामान चोरी कर फरार हो गए, इसलिए बुजुर्ग दंपत्ति ने पुलिस प्रशासन से चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही चोरों को काबू कर लिया जाएगा। कल जी बेटे का ऑपरेशन सी, अक्का दा ये उधर गई हुई थी ग्रीन सिटी थी। अच्छा, फिर कितना तक नुकसान है? नुकसान है गई 50-60,000 रुपए गई। की कुछ चोरी हो गया सर? 19,000 रुपए कैश सी गई, पंजेबा सी गिया, सिक्के सी पांच चांदी दे, एक जोड़ी टॉपर सी डायमंड दी गोले दे विच। और सर देखो हुण फरोड़ा फराड़ी हो रही है, देखो संभालना फिर पता लगूगा जी। सिलेंडर भी चोरी हुए तेन जी? सर ये तक हुण पता नहीं, सवेरे 10 बजे चले गए सी, अज सवेरे 10 बजे आए हैं, फिर पता एक देखा ताला टुटिया पिया जी, अंदर देखा तो फलोरा, फिर मांडी गुआंढी नूं बुलाया इकट्ठा किया, उन्होंने फोन मार के जो भी है तहसील पुलिस वाले उन्होंने फोन मार के बुलाया मांडी गुआंढी। हाँ जी पुलिस आ गई सर। किसानों के खेतों से लगातार मोटर स्टार्टर और केबल की चोरी कर रहे गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 4 लोगों को सुनाम की सीमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए SHO चीमा मंडी यादविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस कई दिनों से इन आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई थी, इसी के चलते सुनाम की चीमा मंडी की पुलिस के हत्थे इन चोरियों को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड सहित 4 लोग पकड़ में आए हैं। इसके अलावा चोरी का माल खरीद कर आगे बेचने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की मेहनत के साथ साथ गाँव वालों का सहयोग इन लोगों को पकड़ने में शामिल है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। बहुत ज्यादा घटनावां दा तां साडे कोई जिक्र नहीं आया सोशल मीडिया ते। एक बलविंदर सिंह नां दे किसान दा नमोल पिंड दा, उहने सोशल मीडिया ते पाई सी, मानयोग SSP साहब श्री सुरेंद्र लांबा जी दीआं हदायतां मुताबक असीं उहदे ते कारवाई करदे होए उहदी पहलां FIR दर्ज कीती। FIR दर्ज करके उस पिंड के बंदे ट्रेस किए, 5 बंदे गिरफ़्तार कर ले गए ने जी, जिन्हों तो चोरी हुई तारा, तांबा, गार्डर, एक मोटर का स्टार्टर, तो कुछ सरिए वगैरह ने वो असी बरामद कर लेने, तो उन्हों की पूछगिछ कर रहे हैं। जे होर भी एरिए उस पिंड उन्होंने कोई होर वारदात की हुई वो बारे भी तफ्तीश करके
ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਤਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਤਾਰਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। CIA 1 यमुनानगर की टीम ने स्नैचिंग के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो कि पिछले लंबे समय से शहर में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए CIA 1 के इंचार्ज राकेश राणा ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि विश्वकर्मा चौक पर 3 युवक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं, जिसके आधार पर सब इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह, ASI रवि प्रकाश, मुकेश रंधीर और हरदयाल की टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने मौके पर जाकर वहां पर घूम रहे 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान पंकज राणा निवासी विष्णुनगर, प्रिंस निवासी ससोली माचरी और रवि के तौर पर हुई है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने 3 स्नैचिंग की वारदात को कबूला है। फिलहाल आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके। वहीं पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदातों में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। यमुनानगर से हलचल के लिए लोकेश कुमार की रिपोर्ट। वारदात काफी बढ़ रही थी, तो दिनांक 11/1 को लगातार 2 स्नैचिंग हुई थी 15 मिनट के अंतराल पे। उसमें 3 लड़के थे, उन तीनों लड़कों को हमने कर लिया है, राउंड अप कर लिया है, और तीनों से हमने 2 वारदातों का खुलासा किया, उन दोनों मान लिए हैं और दोनों के फोन बरामद कर लिए। और कितनी की वारदातें खुली? उसके अलावा एक और वारदात का खुलासा हुआ है, उसमें अभी हम जांच जारी कर रहे हैं और अभी उसमें पूछताछ जारी। सर, कहाँ के रहने वाले हैं व्यक्ति? इसमें 2 लड़के रवि और प्रिंस जो है ससोली माजरी के रहने वाले हैं, दोनों पड़ोसी हैं, और एक ये लड़का है पंकज राणा जो ये खालसा स्कूल के पीछे का रहने वाला। सर, इन्होंने कोई घर में भी चोरी की थी या सारी स्नैचिंग ही? नहीं, इनके ऊपर पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और कोई पहली बार भी नहीं किया। फिरोजपुर में चोरी की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, जिसका ताज़ा मामला फिरोजपुर के अनाथ आश्रम के पास बनी मार्केट में सामने आया है, जहां चोरों ने एक मैकेनिक की दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपयों का सामान चोरी कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकान के मालिक परमिंदर कुमार ने बताया कि गत रात्रि उनकी दुकान में कुछ अज्ञात व्यक्ति दुकान के ताले काटकर उनकी 2 मशीनें, स्पेयर पार्ट्स और औजार चुरा कर ले गए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना कैंट में की है। दुकान के मालिक ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़कर उसका सामान वापस दिलाया जाए, ताकि वे फिर से काम कर अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। नाई परमिंदर कुमार उपमा मिस्त्री, नाई फिरोजपुर रहने वाला, DAV स्कूल बस स्टैंड रोड के उपर मेरी दुकान है जी। उत्थे मेरी दुकान से रात में चोरी हो गई अज जी, तो सवेरे जो आके मैं दुकान ताले खोल लगा, ताले वड्डे बेच गए, तो मेरी दुकान के अंदर मेरी मशीन, टैक्टोमीटर, टूल सारा चोरी हो गया, स्पेयर पार्ट तक चोरी हो गया। इस तक एक गड्डी भी खुली हुई थी और समान भी बिचों चोरी होया। मेरा नुकसान ही ज्यादा लाइए 4-4.5 लाख का नुकसान हो गया जी। पंजाब में चाइना डोर के साथ लगातार बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है, जिसके चलते चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ इरादतन कत्ल की धारा 307 के अधीन मुकदमे दर्ज होंगे। इसकी शुरुआत खन्ना पुलिस ने की है। वहीं चाइना डोर सहित पकड़े गए 2 नौजवानों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के साथ साथ इरादतन कत्ल का मामला भी दर्ज किया गया है। यह धारा चाइना डोर के साथ जख्मी हुए नौजवान के बयानों के ऊपर लगाई गई है। साढ़े को 8 नंबर FIR लॉज हुई सी, इन्हों तो काफ़ी बड़ी मात्रा के डोर बरामद हुई सी। अमित तो ये नीरज कुमार है, उन्होंने तो असी चाइना डोर बरामद की सी, ते इहदी कंटीन्यूअस दे विच ही असी 307 दा वाधा कीता जुर्म दा, क्योंकि हरबंस लाल जिहड़ा प्राइवेट होस्पिटल 'च एडमिट सीगा उहदे गल दे उत्ते 17 टांके लगे हुए ने, ते असी बार बार प्रशासन वालों, पुलिस प्रशासन वालों अपील कीती जांदी आ, असी अपने माइक ते भी किया, वैसे भी असी जा के लोकां नूं अवेयर किया भी इहदे नाल जिहड़ी प्लास्टिक या चाइना डोर आ इहनूं ना यूज़ किया, बच्चों नूं रोकिया जाए। दुकानां नूं वी असी चैक करदे आ, उहनां नूं वी असी वार्न किया भी ना दिता जाए, तो ये ना सिर्फ जानी नुकसान होंगे लोगों का, जनता का, बल्कि जोड़ा पर्यावरण है इनू भी खतरा है, क्योंकि जोड़े साढ़े पंछी ने कबूतर, तोते, दूजे पंछी ने वो भी चपेट आ जाते हैं।
चंडीगढ़ के मनी माजरा शिवालिक एनक्लेव में नशेड़ी किस्म के अपराधियों का आतंक जारी है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब वहां पर किसी घर में चोरी ना होती हो। इसी के चलते गत सुबह 2 बजे के करीब एक साथ 5 घरों से टूटियां चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। तो वहीं स्थानीय लोग रोजाना की इन वारदातों से सहमे हुए हैं। वहीं चोरी की इन घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। तो वहीं इसके बाद पुलिस ने उक्त इलाकों में अपनी गश्त बढ़ा दी है। वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अध्यक्ष नीलम रानी की अध्यक्षता में जालंधर के अंबेडकर चौक का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसी भी कार्यक्रम के तहत सोसाइटियां प्रशासन इस चौक को बड़े ही अच्छे ढंग से सजाते हैं और हर राजनीतिक व सामाजिक पार्टी इस चौक में बड़े बड़े कार्यक्रम करती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान ना तो इस चौक में सफाई ढंग से हुई है और ना ही यहाँ पर लाइटों का कोई प्रबंध किया गया है। इतना ही नहीं, चौक में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा लगाई हुई है उस बॉक्स का दरवाजा भी कोई उतार कर ले गया है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस की बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से स्थापित इस चौक की और किसी का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए उन्होंने इस तरफ प्रशासन का ध्यान लाने की मांग की है और 26 जनवरी से पहले पहले इस चौक के रखरखाव के लिए उचित प्रबंध की मांग की है। अगर उनकी यह मांग ना मानी गई तो वे आने वाले दिनों में निगम प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर बाल योगी बाबा संगतनाथ जी, रमेश कुमार सिद्धू, रवि मुमन, डॉक्टर चंद्र प्रकाश, रिंकू आदिवाल, नवीन सब्रवाल, सावर लव कुमार, अनु आदिवाल, अमित कल्याण, बिट्टा आदिवाल, सरजू थापर, अनिल कुमार, रोहित गिल, काका गिल, सुरजीत, एकता, अनु, सुमन, सीमा व अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। वेलफेयर सोसाइटी असी अज सारी टीम इत्थे डॉक्टर अंबेडकर चौक जालंधर विच सारे खड़े हैं। ये जालंधर च जिहड़ा डॉक्टर अंबेडकर जी का चौक है ये हालात इन्ने माड़े ने कि इदा लगता जिदा साढ़े शहर का कारपोरेशन सुत्ता पिया होया, पुलिस प्रशासन सुत्ता पिया है। डॉक्टर अंबेडकर जी का जो प्रतिमा है वह शीशे तक टुटे हुए ने, लाइटा तक सारिया खराब ने, शराब दिया बोतल, कचरा, डस्टिंग इन्नी ज़्यादा है कि कहते कि इन्ने बुरे हालात ने। जो 26 जनवरी आता है, 14 अप्रैल आता है, जन्म दिवस से आप सारे लीडर सारिया हस्तियाँ इतने आन के प्रतिमा को हार पाया ने, बस उदों ही आदि ने, उस तो बाद कोई नहीं देख आता। सारे लीडर सारी सारिया हस्तियाँ सुतिया पे ने। असं ये चेतावनी दें इन्हों कि यह चौंक की जो भी इतने लाइट सिस्टम है जा इत की सफाई व्यवस्था है और इस चीज़ को जरूर देखन, नहीं तो असं 26 तरीक तो पहला पहला जे नहीं किया तो अं धरना लावे। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। ट्राई सिटी एरिया के अंदर प्रॉपर्टी कारोबारियों जिसमें बिल्डर, डीलर, ब्रोकर आदि शामिल हैं, उनकी एक विशेष मीटिंग खरड़ में बिल्डर बचाओ डीलर बचाओ बैनर के अधीन की गई। इस बैठक के दौरान पिछले कुछ समय से इस धंधे से जुड़े कारोबारियों को जो मुश्किलें पेश आ रही हैं उनके हल को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के दौरान सर्वसम्मति से 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जिसमें ओम प्रकाश, पंकज सूद, हरमिंदर सिंह मावी, रजनीश खन्ना, अशोक पुरी, नरेश खन्ना, विकी लांबा, अमन शर्मा और राहुल मनचंदा आदि शामिल हैं, जिनका मकसद इस कारोबार के साथ अनेकों वर्षों से जुड़े और करोड़ों रुपयों के रूप में अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इन्वेस्ट कर चुके लोगों की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाना है। कुराली से हलचल के लिए अश्विनी गौड़ की रिपोर्ट। सर कल असी SS फॉर्म लांडरा रोड के उपर मीटिंग की थी, जिदे में साढ़े सारे डीलर भरा और सारे बिल्डर और सारे डिवेलपर जोड़े है वो आए थे। अप्रोक्सीमेटली पूरे खरड़ मोहाली जीरेपुर तो 250 के करीब साढ़े बिल्डर और डीलर ब्रदर आए थे। तो इस मीटिंग दे विच असी एक SAS नगर बिल्डर एंड डीलर एसोसीएशन जी है वह बनाई हैगी है, जिदे विच असी एक 21 मैंबरी कमेटी भी कल असी फॉर्म की हैगी है। तो यह जी साड़ी एसोसीएशन है यदा मेन मकसद है कि जी साड़ी इस टाइम पर करंट सानू प्रॉब्लम्स आ रही ने उस प्रॉब्लम्स के उपर साढ़े सारी जी कमेटी हैगी है वो उपर एक एक्शन प्लान बना के वो उपर काम करे।
तो तुसी जानते हो कि इस टाइम पर जिहड़ा मौजूदा सरकार हैगी है वह बाहरों इन्वेस्टर देख रही है पर जिहड़े साडे लोकल इन्वेस्टर हैगे ने उन्हां दा वह ख्याल नहीं रख रही हैगी। इस गल तो सारे नूं बहुत ज़्यादा परेशानी हैगी है। साडे जिहड़े मेन मुद्दे हैगे ने एक तो साडा जिहड़ा जी प्लस टू और एस प्लस थ्री की जिहड़ी रजिस्ट्री की सानूं प्रॉब्लम आ रही है, उस तो अलावा जिहड़ी एन ओ सी की सानूं एम सी तो प्रॉब्लम आ रही है, इस तो अलावा जिहड़े साडे इलैक्ट्रिसिटी मीटर्स हैगे ने वह साडे काफ़ी सारी कलोनीज दे विच जिहड़े हैगे है वह सानूं नहीं प्रॉपर मिल रहे है, कई जगह पर सानूं बहुत दिक्कत आ रही हैगी है। तो उस करके सारा जिहड़ा ये रियल स्टेट सैक्टर हैगा वै इस एरिए का मोहाली खरड़ जीरोपुर का वो इस टाइम परेशान हैगा वै और इन्ने लोगों की जड़ी इस काम के जुड़े हुए ने उन्हां दी मेहनत और उन्हां दी जड़ी इन्वेस्टमेंट हैगी है उस करके खराब हो रही है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से गुरु तेग बहादुर नगर स्थित बैंक की पुनः निर्मित शाखा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बैंक के मुख्य महाप्रबंधक विनोद जायसवाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर बैंक की शाखा का रस्मी तौर पर उद्घाटन किया। इस मौके पर बैंक के उप महाप्रबंधक अजित पराशर, क्षेत्रीय प्रबंधिका अनुपमा शर्मा भी विशेष तौर पर उपस्थित रहीं। बैंक के उद्घाटन समारोह में पहुंचे मुख्य महाप्रबंधक विनोद जायसवाल का शाखा प्रबंधिका शिल्पी रानी और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं उद्घाटन के पश्चात मुख्य मेहमान ने बैंक अधिकारियों, स्टाफ और ग्राहकों को बधाई भी दी। उन्होंने बैंक की पुनः निर्मित शाखा के बेहतरीन तरीके से कायाकल्प होने पर खुशी और संतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने ग्राहकों को और ज्यादा बेहतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्धता भी दोहराई। इस मौके पर मुख्य प्रबंधक विनीत चोपड़ा, मुख्य प्रबंधक संजीव चौधरी, गुलशन सचदेवा, प्रीति पवन बसी, बलबीर सिंह, सोहन लाल, सतनाम सिंह, सौदागर सिंह, जसबीर सिंह और आर के महमी सहित कई ग्राहक भी मौजूद रहे। आज जीटीबी नगर जलंधर ब्रांच का जो रिनोवेटेड प्रेमिसेस है उसका यहाँ इनॉग्रेशन हुआ है और इसमें बहुत सारे हमारे जो शाखा के कस्टमर्स हैं वो भी शामिल हुए हैं। हमें बहुत खुशी है कि ये ब्रांच बहुत ही अच्छी सेवा प्रदान कर रही है। हमने सभी से फीडबैक लिया, वो सभी लोग बहुत खुश हैं और स्टेट बैंक अब हर एरिया में बहुत ही अच्छी कस्टमर सर्विस दे रही है। उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं, साथ ही में हमारी सेवा भी बहुत उत्तम हो गई है। और हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम सभी कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी सेवाएं किस तरह की हैं। जो जब भी कस्टमर एक ट्रांजैक्शन करता है उनको एक लिंक आता है और उसमें लिंक में वो जा करके तीन तरह की रेटिंग है उसमें वो रेटिंग देता है और हमें पता चलता है कि हमारे ग्राहक खुश हैं या नहीं। इस तरह से हम हमारे जो सेवाएँ हैं उसमें सुधार ला रहे हैं और हमने एक हमारी जो हेल्पलाइन है उसमें भी बहुत बड़ा सुधार किया है। एक बहुत ही बड़ा केंद्र बनाया है जिसका नंबर भी बहुत कैची सा हमने रखा है 1800 1234। तो जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनकी जो डे टू डे बैंकिंग में जो कुछ क्वेरीज होती हैं या अपने अकाउंट के बारे में बैलेंस जानना चाहते हैं या ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानना चाहते हैं वे बहुत आसानी से इस टोल फ्री नंबर पर 1800 1234 पर प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब में कृषि के क्षेत्र में और एमएसएमई के क्षेत्र में भी हम बहुत ही लिबरली ऋण प्रदान कर रहे हैं और इस तरह से पंजाब के इकोनॉमी में भी सहयोग कर रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से सभी हमारे जो ग्राहकगण हैं या जो ग्राहक अभी नहीं बने हैं उन सभी से निवेदन है कि हमारी सेवाओं का लाभ उठाएँ और अगर कहीं भी उसमें दिक्कत आती है तो बहुत सारे माध्यम हैं जिससे हम बता सकते हैं, पर हम ऋण देना चाहते हैं खासकर जो स्टैंड अप इंडिया है उसमें और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें हम ऋण देना चाहते हैं। तो जो भी अच्छे इंटेंशन के साथ लोग काम शुरू करना चाहते हैं वे आगे आएं और हमारी शाखाओं से संपर्क करें। लोक निर्माण ऊर्जा मंत्री पंजाब हरभजन सिंह इटियो की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान चंद सिंह गिल ने जिला योजना कमेटी फिरोजपुर के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने उनका मुंह मीठा करवाकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आप पार्टी के प्रति बहुत अहम योगदान और लंबी सेवाएं देने के कारण चंद सिंह गिल को यह मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि चंद सिंह गिल को चेयरमैन नियुक्त कर आप पार्टी ने एक साफ और स्वच्छ राजनीति की मिसाल कायम की है, क्योंकि वे बहुत ही ईमानदार और साफ एवं स्वच्छ व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि चंद सिंह गिल की अगुवाई में प्लानिंग कमेटी जिले का सर्वपक्षीय विकास यकीनी बनाएगी। तो वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंद सिंह गिल ने मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह, जिले के विधायकों एवं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसे पूरी तनदेही से निभाएंगे। इस मौके पर फिरोजपुर शहरी से विधायक रणबीर सिंह बुल्लर, फिरोजपुर देहात से विधायक रजनीश दैया, जीरा विधायक नरेश कटारिया, गुरुहर सहाय से विधायक फौजा सिंह सरारी भी मौजूद रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। सरदार चंद सिंह जी गिल जिन्हों का पार्टी प्रति बहुत वड्डा योगदान आ, बड़े लंबे समय का योगदान आ, अज असी सारे उन्होंने इतने उन्होंने ज्वाइनिंग के बधाई देने पहुंचे हैं। साथ बहुत ही सत्कार योग साहब एम पी सरदार साधु सिंह जी, साढ़े खोजा सिंह सरारी साहब, भुल्लर साहब, दैया साहब, कटारिया साहब, साढ़े लोग सभा के इंचार्ज सरदार खहरा जी, मलजीत सिंह खहरा जी, जिन्ह की लोग सभा जीरा जड़ा वो भी खडूर साहब के पैदा है, वह भी इतने आए हैं। सो अज सरदार चंद सिंह जी नूं समूह वर्कर जिन्होंने बड़ी मेहनत के नाल बहुत सख्त मेहनत इस इलाके दे विच कीती है, उन्होंने अज पार्टी ने मान दिता। सो मैं उन्होंने उन्होंने परिवार को सारे वर्करां नूं एमएलए साहब सब नूं बधाई देना। इन्हां दा मैं अज बहुत ही धन्यवाद करदा जिन्हां ने मैनूं इन्ना मान बख्शिया। नहीं नहीं सही है, खास करके साडे ईटीओ साहब कोल बहुत ही टाइम थोड़ा सीगा ते मैनूं टाइम टू टाइम कढ के इत्थे, क्योंकि असीं इकट्ठे वर्क भी किया काम भी किया। बाकी जिहड़ी मैं पहला जदों इत्थे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट दा उहदा संभालिया सी ते मैं इलैक्शनां दी गल कही सी इत्थे भुल्लर साहब सारे इकट्ठे होए सी कि मैं इन्नी कोशिश करांगा मैं चारे सीटां इह लैणियां है, कि कोशिश कीती क्योंकि मैं कल्ले ने नहीं, सारिया मेरे वलंटियर मेरे इतने अहदेदार खड़े आ सारे असी हूँ। मैं इन्ना क मैं कहना क्योंकि मैं इन्हों की मदद नाल साढ़े इंचार्ज भी है जिले फिरोजपुर के, तो मेरे चारे एम एल ए की मदद नाल साडा एम आज कि फिरोजपुर में असं पहले नंबर से पंजाब के लिए। जालंधर शहर में शिवसेना उत्तर भारत की ओर से भगवा मार्च निकाला गया, जिसकी खबर जब सिख तालमेल कमेटी को पता चली तो सिख तालमेल कमेटी मार्च स्थान पर पहुंच गई और इसका विरोध करने लगी। वहीं माहौल को तनावपूर्ण होता देख भारी संख्या में पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारियों सहित मौके पर पहुंच गए। इस मौके पर हिंदू संगठनों के नेताओं का कहना है कि वे नशे के खिलाफ भगवा मार्च निकाल रहे हैं। इस दौरान किसी भी तरह की कोई गलत नारेबाजी नहीं की गई। तो वहीं दूसरी ओर सिख जत्थेबंदियों का कहना है कि शिवसेना नेताओं द्वारा हमेशा संतों के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, जिसके चलते वह यह मार्च नहीं निकालने देंगे। तो वहीं पुलिस भी कहीं ना कहीं सिख जत्थेबंदियों के दबाव में नजर आई और पुलिस ने इसके चलते ही मार्च को उक्त स्थान पर बंद करवा दिया और हिंदू संगठनों से वहीं पर मांग पत्र ले लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। आज शिवसेना उत्तर भारत वालों एक भगवा मार्च कढ़िया गया जाना सी, जे भगवा मार्च दे विच सिर्फ नशे नूं लै के अते चाइना डोर दे लै के भगवा मार्च कढ़ना सी जलंधर गुरु नानक मिशन चौंक तों पुलिस कमिश्नर दफ्तर तक, पर कुछ शरारती तत्वों ने सिख जथेबंदियों नूं कह दिता, पता नहीं की गलत मैसेज लाता, जिन्हां ने इत्थे आ गए साडा उन्हां नाल विच टकराव होया। तो DCP जगमोहन साहब आए, उन्होंने साडे को मंग पत्र इत्थे ही ले लिया। मैं आप जी दे अगे एक मंग करन लगा हां, हुण 26 तरीक नूं शिवसेना उत्तर भारत दी पूरी टीम गवर्नर साहब नूं मिलेगी। जे गवर्नर साहब नूं फिर भी प्रशासन ने सानूं मिलन ना दिता, 30 तरीक नूं भगवा मार्च द्वारा शस्त्र मार्च कढ़िया जाएगा, जिंदे विचों हजारां की गिनती के नाल शिव सैनिक
इकट्ठे होणगे। ये शस्त्र मार्ग सिर्फ शिवसेना उत्तर भारत से ही कढ़ेगी, होर कोई पार्टी का सहयोग नहीं लेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्रीय चेयरमैन शिवसेना उत्तर भारत, अज जो भी होया भगवा मार्च के बहुत निंदन योग घटना आ, ये नहीं सी होना चाहिए, क्योंकि असी ना किसी गुरु या पीर बारे किसी बारे माड़ी चंकी कभी शब्दावली ना वरती है तो ना वरतेंगे। ठीक है जी, उन्होंने किसी सिख जथेबंद किसी ने गलत फहमी पाई है जिदे करके वो भगवा मार्च रोकण आए। असी तो आप चाहते सी कि अगर जी वो आए सी साढ़े नाल होकर चलते, हिंदू सिख कट्ठे आ तो कट्ठे ही रहने हैं। ठीक है जी, असी कोशिश ये करांगे कि 26 तरीक नूं जां तां राज्यपाल साहब नूं मिल के इहदा कोई दित्ता जाए जिदे करके कोई आपस दे विच गुटबंदी ना बने। जे नहीं कुछ किसी पासे लगी तो फिर जां असी धरने लावांगे, नहीं तो एक आप शस्त्र मार्च कढ़ांगे। राष्ट्रीय उप प्रधान शिवसेना उत्तर भारत तो मनोज सोंदी, आज जिहड़ी शोभा यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक नाल कढ़ी जा रही थी, नशियां दे खिलाफ सी, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई शोभा यात्रा ये जिहड़ी नहीं सी, यात्रा नहीं सी। जो भी ये शरारती अंसरां ने किया ये बड़ा गलत होया। साड़ी तां प्रशासन नूं यही मंग हैगी आ कि इन्हां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਰ? ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमृतसर में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म वित्त मंत्री पंजाब हरपाल सिंह चीमा की ओर से निभाई जाएगी। इसी संबंध में गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं और स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेटों व पुलिस जवानों की ओर से रिहर्सल भी की जा रही है, जिसको लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस दिहाड़े मौके अमृतसर दे गुरु नानक स्टेडियम दे विच पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा झंडा फहराउण दी रसम नूं अदा करनगे। उस तो पहले इस स्टेडियम दे विच तैयारियां जिहड़ियां ने तुसीं देख सकते हो तस्वीरां दे विच तैयारियां चल रही ने, पूरियां तैयारियां कीतियां जा रही ने, रिहर्सल चल रही है। छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे इस समागम दे विच जिहड़ियां झलकियां रंगारंग प्रोग्राम पेश करनगे, उन्हां दीआं तैयारियां चल रहीआं ने। छोटे छोटे बच्चे इस वेले तुसीं देख सकते हो गिद्धा पा रहे ने, वख-वख स्कूलां दे बच्चे ने जिहड़े गिद्धा पा के इस गिद्धे दी रिहर्सल कर रहे ने। मैं दसना चाहांगा तस्वीरां दे विच 1 2 3 4 5 6 7 8 टीमां ने गिद्धे नूं परफॉर्म कर रहीआं ने। इन्हां तों इलावा भंगड़ा होएगा, उस तो इलावा इधरले बन्ने जो मैं कैमरा परसन नूं कहांगा जिहड़े बैंड मास्टर ने, जिहड़े बैंड टीमां ने वो देणगीआं जिहड़ीआं के मुख मेहमान नूं सलामी देण लई इस रस्ते तो निकलणगीआं। प्राइवेट स्कूलों की जे गल करिए तो प्राइवेट स्कूल भी इसे तो परेड करते हुए सलामी देणगे और अपनी कलाकृति प्रदर्शित करेंगे। श्री गुरु रविदास मंदिर चुंगी नंबर 9 में से श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व के संबंध में प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी संबंध में पहली प्रभात फेरी वार्ड नंबर 75 के प्रधान बंसीलाल के निवास स्थान पर बुलाई गई, जिसमें विधायक शीतल अंगुरवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर प्रधान बंसीलाल के परिवार ने प्रभात फेरी में शामिल सभी भक्तों का स्वागत किया और उनके लिए लंगर का विशेष प्रबंध भी किया। इस मौके पर चेयरमैन अजय कुमार, सचिन, पंकु, डॉक्टर मुनीश, मोंटू, पुनीत, प्रोमिला, नीलम, ज्योति, पूनम, माही सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। पहली प्रभात फेरी श्री गुरदास महाराज के जन्मदिन से उत्सव करके मनाया बुलाई गई वार्ड नंबर 75 तो बंसी प्रधान के ग्रह विखे, तो जिस विच सारी संगत ने नगर कीर्तन किया। जलंधर वैश्व के विधायक श्री शीतल अंगुरवाल जी ने लंगर की शुरुआत की। वार्ड नंबर 75 बंसी प्रधान की सारी फैमिली वालों शहर वासियों को श्री गुरदास महाराज के जन्मदिन की लख लख बधाई। चुंगी नंबर 9 गुरदास मंदिर तो पहली प्रभात फेरी प्रधान बंसी लाल जी के ग्रह विखे बुलाई गई, तो सारिया संगत ने रल मिल के भजन कीर्तन किया गया। तो विशेष तौर पर विधायक शीतल अंगुरवाल जी ने मुख्य तौर पर बुलाया गया, तो उन्होंने लंगर की शुरुआत की।
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨਾਲਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਸੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਸੰਭਾਲਨੇ ਔਰ ਇਨਕੀ ਦਸ਼ਾ ਕੋ ਸੁਧਾਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੀਏ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਦੋਰਾਹਾ ਮੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਲਗਭਗ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾ ਕਾਮ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਚਲੇਗਾ ਔਰ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਂਗੇ। ਇਸਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰੋਹਰ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰਸੇ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰੱਖਾ ਜਾ ਸਕੇ। इसी के तहत दोराहा में लगभग 600 वर्ष पुराने किले की मुरम्मत का काम शुरू हो गया है जिससे क्षेत्र को फायदा होगा। तो वहीं पुरातत्व विभाग के XEN ने बताया कि किले की इमारत काफ़ी पुरानी हो चुकी है जिसकी रिपेयर का काम शुरू किया गया है जिसमें 9 महीने का समय लगेगा। मैं सारे नु पहला भी दसिया के जिहड़ा दोराहे स्थित जिहड़ा किला इस दिन असी डिवेलप करन दे लई क्योंकि जिहड़ियां साडियां पुरातन धरोहरां ने उन्हां नूं पंजाब सरकार संभालण ते लगी है ताँ कि असी अपने विरसे नूं संभाल सकीए ते आले दुआले दे लोकां दे लई वी जे इत्थे कोई असी लोकां नूं दिखाउण दे लई इहदी कोई कमर्शलाइज़ इहनूं करदे हां तां बहुत सारा साडे दराहे नूं बेनीफिट होगा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਹ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। तलवंडी साबो पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो नकली सोना रखकर गोल्ड लोन कंपनी से गोल्ड लोन लेते थे। इस गिरोह का मास्टरमाइंड गोल्ड लोन कंपनी में मुलाजिम रहा है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों को काबू कर लिया है जिनमें 4 तोले सोने के नकली गहने भी बरामद किए हैं। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना है। कल जो है इत्थे IIFL जिहड़ी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है जो कि ज़्यादातर गोल्ड लोन का काम करती है जिहदी ब्रांच जिहड़ी तलवंडी साबो विखे हैगी है ते इस दफ्तर दे विच 2 बंदे जिहड़ा एक जतेंद्र कुमार एक राम सिंह मिश्रा ये 2 बंदे जिहड़ा जतेंद्र कुमार है ये मलकाणा पिंड का रहने वाला है साढ़े तलवंडी एरिए ही दूसरा जिहड़ा हैगा वो मूसे पिंड का रहने वाला है। ये इन्हां कोले आए इन्होंने इन्हां नूं एक सोना दिखाया जो कि नकली सी ते इन्हां कोलों गोल्ड लोन की डिमांड की। बैंक मैनेजर अमित कुमार जी उन्होंने शक होया उन्होंने जिहड़ा सोना वह अपने संबंधित डीलिंग हैंड तो चैक करवाया तो सोना वह नकली पाया गया पा के जिहड़ा हैगा सोने के बहाने नकली हीरे अपना हार वगैरह दे के जिहड़े है गोल्ड लोन लैण की ताकत सीगे तो उन्होंने पुलिस को इतलाह दी तो पुलिस ने जिहड़ा हैगा इन्हां दे खिलाफ अमित कुमार मैनेजर के बयान से FA नंबर जिहड़ी 14 मिति 19/1/2023 अधीन धारा 420, 511, 120 VIP तहत जी है दर्ज करके ASA जगतार सिंह वालों SHO इंस्पैक्टर गुरदीप सिंह की अगुवाई जी है तफ्तीश शुरू कर दी है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 ए में कवालियों के दौरान कुछ बदमाशों ने एक युवक पर तेजधार हथियारों से किया हमला, उपचार दौरान हुई मौत। खन्ना पुलिस ने बब्बर खालसा संगठन से जुड़े एक लड़की सहित 13 गैंगस्टर्स को किया काबू, 5 टारगेट किलिंग को अंजाम देने की तैयारी कबूली। अमृतसर के गुरु बाजार में हथियारबंद लोगों ने सुनार की दुकान पर लूट की वारदात को दिया अंजाम, 300 ग्राम सोना लूटकर हुए फरार।
साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।